हापुड़ के एक सर्राफा व्यापारी ने जनपद के दो दबंगों पर जान से मारने की धमकी देने और जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगाया है। सर्राफा व्यापारी का कहना है कि एक दबंग गांव अकड़ौली का और दूसरा गांव ततारपुर का है। पीड़ित ने इस संबंध में एक तहरीर पुलिस को दी है। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा है। अच्छा, क्या मामला हुआ आपका? मेरे साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई है मुझे भी। अच्छा, ठीक है। नहीं, मारपीट भी मुझे थोड़ी थी, लेकिन यहाँ के लोग आके जब आए इकट्ठे हुए तो वो लोग मुझे भाग गए यहाँ से। ठीक है जी, किस बात को लेकर हुई मारपीट? एक तो प्लॉट की बाबत हुई है, दूसरा मैं व्यापारी हूँ, सर्राफा व्यापारी हूँ। अच्छा, मुझे आए दिन जो है ये लोग परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। मैंने पहले भी कंप्लेंट की है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो पहले क्या हुआ था? पहले पीछे मेरे साथ पीछे तो मेरे प्लॉट पे जेसीबी लेके आ गए थे, उसकी सारी बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। मेरे साथ वहाँ भी मारपीट हुई। तो वहाँ आपने शिकायत नहीं करी थी? मैंने शिकायत की थी, लेकिन उसमें पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था उसमें, और मेरा पूरा प्लॉट ढा दिया गया। वो अब किस बात को लेकर हुआ है? अब किस बात? अभी खाली मुझे कोई धमकी आ रही है इस बात को लेकर, तुम उसको प्लॉट को खाली करो। अच्छा, ठीक है, नहीं वरना तुम्हें दुकान चला ही देंगे हम। अच्छा, कहाँ पर है दुकान आप? मेरी दुकान है सर आपका ताराचंद हॉस्पिटल के सामने, सोगासन रोड पर। अच्छा, तो वहाँ पर भी कुछ हमले हुए आपके पास? वहाँ पे धमकियाँ दी गई हैं, जब मैं दुकान से आता हूँ उस टाइम पे मेरे को, क्योंकि यही रोड उनका पड़ता है। तो धमकी फोन के द्वारा मिलती है, आमने सामने मिलती है? नहीं, आमने सामने आते हैं लोग सीधे सीधे। तो इससे पहले आपने शिकायत करी? इससे पहले शिकायत की है मैंने। अच्छा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ये पता नहीं प्रशासन क्या जाता है मुझसे। तो अब जो आपके साथ यहाँ मारपीट हुई है, क्या हुआ? मेरे साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की भी है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। बता दें कि सर्राफा व्यापारी सचिन वर्मा पुत्र वेद प्रकाश निवासी खारीकुआ हापुड़ का कहना है कि वह सोमवार की शाम करीब 4:35 पर रेल रोड पर कहीं जा रहा था। इसी दौरान दबंग ने उसे जैना के सामने रोक लिया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी मौके से निकल गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना का कुछ हिस्सा कैद हो गया। सचिन ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।